नमस्कार सुरागिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोवर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर में ईद के त्योहार को लेकर गणमान्य लोगों के साथ की गई बैठक। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने की बाइकों की व्यवस्था। काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में दो समूहों ने मिलकर किया रक्तदान। एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौदह हॉस्पिटल द्वारा गुरुद्वारा ननकाना साहिब में लगाया गया निःशुल्क कैंप। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया G20 जागरूकता कार्यक्रम। काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में ट्रैफिक पुलिस ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह, सीओ वंदना वर्मा, कोतवाल मनोज रतूड़ी और कोंडा थाना प्रभारी दिनेश पड़तियाल के साथ मिलकर ईद के त्योहार को लेकर एसपी कार्यालय में शहर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम के समक्ष शहर की सफाई व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने की मांग की है। इस दौरान एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बैठक में मौजूद ईदगाह के अध्यक्ष हसीन खान और नगर के गणमान्य लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही इस त्योहार को प्रेम व खुशी के साथ मिलकर मनाने की बात कही है। इसके साथ कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है। तो थोड़ा सा लड़कों को भी बोलना है कि वो डेली धोने की जरूरत नहीं है, उसको नजरअंदाज। बाकी कोई दिक्कत नहीं, नमाजियों का आ गया, किसी के कपड़ों से टच हो जाए ना, ना है ना, वो तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। वो भी लोग सहयोग करते हैं, सहयोग आएगी ऐसे लोग ही होगा ना, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो पाल रहे हैं, हम भी कहलवा देंगे एक बार। मान लीजिए अगर हाईवे है तो उसमें तो दुश्वारी है वहाँ पढ़ने में टाइम टेबल की, उसमें इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। बस आपस में भाईचारगी के रखें, मोहब्बत से दूसरों को पैगाम दें, इन बातों पर हम सबको ख्याल रखें। लगभग सारी बातें इमाम साहब ने बोली थी हमारे इमाम साहब ने, तो आप भी इसको अमल जरूर कराइए। और देखिए हर चीज़ आपसे ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है और ऐसा इनपुट है। अभी इलाहाबाद में जो घटना हुई, कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस टीम और सीपीओ टीम लगातार चलानी कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि जनता को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही हो रही है। इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग भी अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते अब दो बाइकों को शहर में छोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत ARTO आसिफ झा द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई है। वन विभाग के द्वारा हम अभी हाल फिलहाल में पूरे प्रदेश में 30 मोटरसाइकिल दल का गठन किया गया है और उनमें से काशीपुर संभाग के लिए दो दल आवंटित किए गए हैं और इनके द्वारा जो है सघन रूप से प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत और जो घायलों की संख्या है उनमें कमी लाया जा सके। सर अक्सर देखा, मैं ये बताना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी का जो है 4 E's होते हैं, जो इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी और एजुकेशन। तो एजुकेशन के तहत हम लोग जागरूक करते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में या ट्रक, बस या टेम्पो यूनियन में जाके उनको सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। उसी कड़ी में जो है हम लोगों के द्वारा प्रवर्तन कार्य भी किया जाता है, ताकि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जो है जागरूकता पैदा हो, जो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। सर जो दो वाहन दिए गए हैं परिवहन विभाग द्वारा, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ से?
जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि काशीपुर उपसंभाग के अंतर्गत 3 तहसील आते हैं, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर, और इन्हीं क्षेत्रों में इन दोनों वाहनों के द्वारा पत्र कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो कह सकते हैं कि सर इस काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में बाबा जथेदार हरबंश सिंह की याद में खालसा समाज सेवा सोसाइटी एवं रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान शिविर को सफल बनाया। इस दौरान खालसा समाज सेवा सोसाइटी के प्रवक्ता जगमोहन सिंह बंटी द्वारा भी जनमानस से रक्तदान करने की अपील की गई थी। भैया वो दिख ही नहीं रहे, आप इधर घूम जाओ थोड़ा सा। जथेदार बाबा हरबंस सिंह की याद में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जो जरूरतमंद को काम आ सके। इससे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचें और यह अपना रक्तदान करें और कार्यक्रम को सफल करें। आज गुरुद्वारा ननकाना साहिब में काशीपुर में एक बाबा हरबंस सिंह की याद में जो एक महान जथेदार के महान सेवादार से जिन्होंने काफ़ी सेवा की है, उनकी याद में एक महान रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल से माध्यम से लोगों से अपील है, जनता से अपील है कि इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सेवा करें, ताकि हम इस ऐसे प्रोग्राम ये क्लब आगे भी करता रहे और जनता की सेवा। काशीपुर की मलाई चाप की दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामद करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बीती 18 अप्रैल की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर उसमें लगी LED टीवी, CCTV कैमरे की DVR और वीडियो रिकॉर्डर व 1500 रुपए चोरी किए गए, जिसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पुलिस ने वार्ड नंबर 17 से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभी भैया वीडियो बना दो ना पहले, वो मांगते हैं फिर वो न्यूज़ वाले। काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो ट्रामा सेंटर द्वारा एक निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना हेल्थ चेकअप करवाया। इस दौरान निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। Thank you.
चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में G20 जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बीएड विभाग द्वारा जैविक कृषि की आत्मनिर्भरता विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड विभाग की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की छात्र अध्यापिकाओं ने जैविक खेती में आत्मनिर्भर भारत के विषय में अपने अपने विचार प्रकट किए। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर कीर्ति पंत ने जैविक खेती की उपयोगिता एवं लाभ के विषय में छात्र अध्यापिकाओं को जानकारी दी। काशीपुर के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आज ट्रैफिक पुलिस ने रक्तदान किया। वहीं काशीपुर की जनता ने भी जागृत होकर इस शिविर में अपना योगदान दिया। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा ने भी सभी जनमानस से ज्यादा संख्या में गुरुद्वारा पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की। आज के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरगला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।